नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवीडी बोल। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार देव विश्वकर्मा बैठकर भोजन कर रहे हैं हमारे सूर्य नारायण के साथ, और सूर्य नारायण एक बात कहते हैं कि आपने जो जड़ी बूटी या फिर जो वरदान या कुछ भी देवी संज्ञा को दिया था उसके कारण ही वो मेरा ताप सह पा रही हैं और इससे हमारा पारिवारिक जो संबंध है वो और अच्छा हो गया है। अच्छा, कहीं ना कहीं देवी संज्ञा को समझ में आ जाता है कि अब फूल पट्टी खुलने वाली, तो वो रोकती हैं कुछ इस प्रकार से बहाने बना करके कि आपके द्वारा सुझाए गए नियम के कारण या जो भी आपने बताया था उसके कारण। कहीं ना कहीं देव विश्वकर्मा ये भली बात जान चुके हैं, कुछ उनको कुछ तो लग रहा है कि ये वो चीज तो नहीं है, मैंने तो नहीं दिया था। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि काकोल को जब यम डांटते हैं तो शनि देव अपना पेटेंट डायलॉग उनके सामने रख देते हैं कि मार्ग पर आ जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें मार्ग पिलाना पड़ेगा, और कह देते हैं कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न कर लिया, हम ये चाहते थे कि हम दोनों का रिलेशन जो है बेहतर हो सकता है, लेकिन हमें अपनी माता के लिए करना है, हमें एक दूसरे के लिए नहीं करना। लेकिन जब बंद होता है तो उसमें बारिश का पानी नहीं जाता जब तक उसका ढक्कन खुला ना हो। तो चलिए, मेरी माता यहाँ है तब तक मैं तुम्हारी व्यवस्था है कि मुझे यहाँ सहना पड़ेगा। फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 19 पार्ट 1। माँ जी का जो अब राजभवन पहली बार बाहर से देखा है। देख रहे हो ना शनि पुत्र, यही वो घर है जहां तुम्हारी माता पली बढ़ी। माता, मैं कहां आया पली बढ़ी हूं? इसी घर ने इसके बचपन में इसकी किलकारियां सुनी। घर और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक साथ है क्या? अलग अलग थोड़ा सा। इसने तुम्हारे नाना इस विश्वकर्मा को बहुत सताया। अद्भुत, कितना सुंदर है ना? ये अच्छी बात है। कितना मायावी लगता है। शनि, शनि भाई बुला रहा है दंड। ये कुछ अच्छी चीज दिखाई है भाई। उसोर क्या है नाना जी? ओ, वहां मेरी प्रयोगशाला है। क्या प्रयोगशाला? वहां तो आपके सारे मायावी अस्त्र रखे होंगे ना, एक से बढ़कर एक। चलिए ना नाना जी, दिखाइए ना प्रयोगशाला। निसंदेह तुम्हें प्रयोगशाला भी दिखाई जाएगी, परंतु पहले अपनी यात्रा की थकान तो मिटा लो। ये बड़ा अच्छा दिया है, दंड आवाज दे रहा है। There is an interconnection bond between दंड एंड शनि देव। शनि और काकोल को अपने कक्ष में ले जाओ। मेरा कक्ष है कहाँ? जी देव विश्वकर्मा भी परीक्षा ले रहे हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं, समझ मेरा का है कहाँ, देखना चाह रहे हैं क्या क्या चीजें हैं जो। लगता है मेरी पुत्री अपने परिवार को संभालने में इतनी व्यस्त रही कि उसे ये तक ज्ञात नहीं कि उसका कक्ष कहाँ है। कक्ष कहाँ है? उधर है तुम्हारा कक्ष, चले। सूर्यलोक में तो देवी संज्ञा सब पढ़ा के गई थी, है वो ये यहाँ है फलाना ये है, बाकी चीजें समझ ही जाएंगे धीरे धीरे। चलो मित्र, क्योंकि वहां पर वैसे भी सूर्यदेव ज्यादा बातें क्या करते हैं। हाँ। शनि, शनि, शनि। थोर था, थोड़ा भी उससे बात करता था लेकिन शनि वॉइस कभी नहीं। शनि,
वो इशारों को समझता। मैं उन्हीं चलो मित्र, माता श्री और नाना श्री हमसे आगे निकल गए हैं। भाई ये तो एकदम हॉरर मूवी जैसा है यार। शानी दंड अपने धारक को पुकार रहा है नारायण। जो अब तक सबसे छिपा था वो आज सामने आ जाएगा। परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें यह नहीं पता कि हमसे कुछ भी नहीं छिपा। मैं वही कह रहा था पहले, मैं देवराज इंद्र को यही पता कि महादेव पर देख रहा है यंत्र ना उनकी योजना है। यह किस प्रकार की योजना है देवेंद्र? देवराज होने के नाते आपका धर्म बनता है कि आप सदैव देवताओं के हित में कार्य करें, और आप स्वयं देवलोक पर असुरों से आक्रमण करवाना चाहते हैं। एक देव पुत्र के प्राण संकट में डाल रहे हैं आप। नहीं देवेंद्र, एक देव गुरु होने के नाते हम आपको इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे। सत्य कहा, देवराज होने के नाते मेरा कर्तव्य देवों के हित के बारे में सोचना और इस सिंहासन की रक्षा करना, और मैं वही तो कर रहा। किस प्रकार से? देव गुरु बृहस्पति, क्या आप चाहते हैं कि वो शक्ति पुंज असुरों के हित में जाकर हमारा अहित करे? समझ में मुझे ये नहीं आ रहा कि अगर पता कर लेंगे तो कर क्या लेंगे। मुझे मेरा कार्य करने दीजिए देवगुरु। परंतु देवेंद्र, यदि वो बालक शनि शक्ति पुंज नहीं हुआ तो शुक्राचार्य इस चक्रवात को रोक देंगे। और अगर उन्होंने नहीं रोका तो? नहीं रोक पाए अर्थात शनि को कुछ नहीं होगा। यही तो अंतर है। देवराज और देव गुरु में मैं चाहता हूं कि यदि शनि वो शक्ति पुंज नहीं है तो भी वो चक्रवात ना रुके और उस शनि को निकल जाए। परंतु देवेंद्र, क्यों भाई? पतन शनि का बलिदान दानवों की बलि का कारण बन जाएगा आचार्य। घी डालेंगे आग में। एक तीर से दो शिकार, रोक दिए तो ठीक, नहीं रोक पाए तो हम कह देंगे कि शुक्राचार्य ने बनाया था। दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने सूर्य देव के नेतृत्व में देवों की सेना दानवों का समूल नाश कर देगी। आज यहाँ तो उस शक्ति पुंज के अस्तित्व का भान होगा, यहाँ फिर दानों का अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाएगा, दिया जाएगा। और दोनों का केवल एक ही आधार होगा, सूर्य पुत्र शनि। ये देखो शनि, ये तुम्हारी माता का कक्ष है। क्यों पुत्र, सुंदर है ना? स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने बनाया है तो सुंदर कैसे नहीं हो सकता? काकुल कहाँ है? मैं अभी काकुल को ढूंढता हूँ नाना श्री, कहीं वो यहाँ कोई समस्या ना उत्पन्न कर दे। किसी एक्सपेरिमेंटल द्रव में ना गिर जाए। Rivals are collaborating. समय आ गया है आचार्य।
परंतु स्मरण है न इंद्र, यदि शनि ने दंड नहीं उठाया तो मैं चक्रवात को रोक दूंगा। निसंदेह शुक्राचार्य, निसंदेह मैं भला क्यों अकारण एक देव पुत्र की बलि चढ़ाना चाहूंगा। शनि 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 दंड बुला के ही रहेगा भैया। आपको दंड से दंड भी मिलेगा ऐसा लगा मुझे। मुझे पहले काकुल को ढूंढना। मैं जानता था तुम यहाँ आओ। तुम भी देखना चाहते थे ना मित्र कि यहाँ क्या है। मित्र मित्र मैं जानता था कि तुम्हें ऐसी अनुभूति हो रही है, इसलिए मैं यहाँ आके छुप गया ताकि तुम मुझे न्या सको और हम दोनों ये जान सके कि वहाँ उस प्रयोगशाला में क्या है। चले शनि अन्य देव पुत्रों से भिन्न है, पहले संज्ञा जी वो तनिक विशेष है। कदाचित महादेव ने किसी विशेष कारण से उसे ऐसा बनाया होगा। कुछ असामान्य हो तो उसका कारण भी सदा विशेष ही होता है। कुछ क्षणों के लिए हमें ऐसा लगा कि किसी हॉरर मूवी को देख रहे हैं। जैसे वो तो बुलाते हैं अपने क्लाइंट को जिसके अंदर उसको अपनी आत्मा होल्ड करनी होती है फिलहाल के लिए। लेकिन एक चीज देखने में बड़ा मजा आया कि किस प्रकार से जो शनिदेव का दंड है वो आवाज लगा रहा है शनिदेव को, और महल में घुसते ही उन्होंने सबसे पहला प्रश्न यही था कि उस ओर क्या क्या। कहीं ना कहीं ये जिसे कहते हैं ना दंड एक शरीर का एक स्वरूप हो जाता है, या यूं कह लें कि एक योद्धा का जो शस्त्र होता है उससे योद्धा की आत्मा जुड़ी हुई होती है कि वो जब शस्त्र उसके हाथ में आता है तो उसके शरीर का फैलाव उसके शस्त्र के जितना हो जाता है। तभी तो वही उठा सकते हैं उस शस्त्र को, बाकी कोई नहीं। अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल होता हुआ जा रहा है, तो देखते हैं किस प्रकार से चलेगा सब कुछ, क्योंकि देवासुर संग्राम लाने के मोड़ पे देवराज इंद्र खड़े हैं। देवराज इंद्र की बुद्धि तो बहुत चतुर है, गुरु शुक्राचार्य उनके सामने तो मुझे बहुत कोमल हृदय का लग रहा है, बहुत भयानक बुद्धि है। तो फिलहाल के लिए ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं, शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।